आपको इसके लिए चाहिए पेंट, एक्रेलिक कलर, कोई भी एज पर योर चॉइस, न्यूज़पेपर, थर्मोकोल शीट, थिकनेस आप आपके हिसाब से चॉइस कर सकते हो, जो भी थिकनेस आपको चाहिए, सीज़र, पेपर कटर, फेविकॉल या कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो गम जो पेपर में यूज़ कर सकते हो, वो एंड पेंट ब्रश। ऐसा आपका इतना थिकनेस का पेपर कट कर लेना है और एक पतला सा रॉड लेके आपको सिंपल ऐसे फोल्ड करना है। स्टिक निकलने के बाद थोड़ा सा गम लेके ऐसे इस तरीके से ये स्क्वायर जो मैंने बॉर्डर बनाई हूँ उसके लिए आपको ऐसे थर्मोकोल का जो भी साइज का आपको बनाना है फ्रेम, थर्मोकोल का ऐसा पीस लेना है, उसमें न्यूज़पेपर से रैप करना है, देन अनदर थर्मोकोल का आपको न्यूज़पेपर से रैप करके जस्ट इस तरीके से आपको जॉइंट कर देना है, फिर इस साइड से फिर इधर, तो ऐसा स्क्वायर आपका बन जाएगा। अभी ये जो आपने स्क्वायर बना लिए थे, अभी उसमें क्या करना है, ये जो आपने बनाया ये बना के आपको पहले कॉर्नर में इस तरीके से आपको रखना होगा, इस तरीके से जितना आपका कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है जितना होगा एक्सेस कट करके ये एंड और ये एंड दोनों एंड सिर्फ गम से आपको चिपका देना है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे ऐसे इसको फ्लैट करके इस ऐसे उंगली की मदद से आप फ्लैट कर लेंगे, ऐसा करके आपको ऐसे करते जाना है। एंड आफ्टर दैट जब ये लाइन इस तरह ऐसा कॉर्नर होते होते आपको उधर जाएगा तब फिर आपको इसको घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद फिर इसके ऊपर से जो ये लाइन आपका इस ऐसा आया है इसके ऊपर से आपको क्या करना है, फिर से ऐसा ही और लेना है, फ्लैट करना है, गम से चिपकना है, चिपकाने के बाद आपको फिर कट करना है। इसी तरीके से पूरा आपको ये कंप्लीट हो जाएगा पीछे का जाली। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो न्यूज़पेपर का है आप देखे थे कि मैं बैक साइड में पेंट नहीं किया था, फ्रंट साइड टोटली आपको वाइट पेंट कर लेना है टोटली, ये जो आपने बनाया था बैक साइड। उसके बाद आपका ये फ्लावर बनाने का प्रोसीड्योर है, ये पेपर को लेके आपको उंगली से ऐसे फ्लैट कर लेना है। उसके बाद कोई भी थोड़ा सा थिकनेस वाला आप बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये पेपर को ऐसे फोल्ड करना है और थोड़ा सा आपको गम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेना है ताकि ये सिक्योर रहे। और इस तरीके से राउंड करके रैप करते हुए जाना है, रोल ऐसे ही रोल होता जाएगा टाइटली। अभी आपको ये जो एंड है इसमें भी थोड़ा सा गम यूज करके इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है।
आपका ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक साइड से इसको ऐसे प्रेस करना है, एक साइड से प्रेस करने से आपको पेटल्स जैसा बन जाएगा। ऐसे पेटल्स बनाने के बाद आप जो भी कलर का फ्लावर बनाना चाहते हैं उस कलर से पेंट कर लीजिए, और लीफ के लिए ग्रीन कलर कर लीजिए। इसके बाद आपको ये दोनों लेना है जो आप बनाए थे, और ये बॉर्डर के लिए आपको क्या करना है, एक के अंदर और एक को ऐसा जॉइंट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो साइज है इस हिसाब से जितना साइज होगा उस हिसाब से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद काफ़ी टाइम होगा आपका ये वाला पीस और ये वाला पीस में थोड़ा सा पेपर ऐसा निकला हुआ, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा गम लेके इस तरीके से आपका ये रेडी हो गया लास्ट वन। अभी यहाँ पे आपका गम लगा के इसको प्लेस कर देना है। इसी तरीके से सभी एक एक करके सभी चारों साइड में आपको लगा देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये बॉर्डर हो गया। अभी मैंने क्या किया, दोनों साइड ब्लैक, ये साइड ऑरेंज की हो, ये साइड भी मैं ऑरेंज कर लूँगी। अभी आप पेटल्स को कहीं भी प्लेस कर लीजिए आपके हिसाब से, मैंने रैंडमली प्लेस कर ली हूँ। अभी आपको क्या करना है, बैक साइड में जैसे कम का यूज करके
अभी मैंने एक स्टिक को ब्राउन कलर कर लिया। पेपर को ऐसा फोल्ड कर लीजिए, एक फोल्ड में बटरफ्लाई के लिए। फिर इसमें आपको ये जो जॉइंट पोर्शन है ये साइड से आपको ऐसा एक ड्राइंग करके आपको ये वाला पोर्शन नहीं कट करना है। आप कोई भी कलर का ये पेपर ऐसे कट करके बटरफ्लाई बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो साइज़ का की हूँ, एक ये बड़ा साइज़ का और एक इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ का। और कलर आपके हिसाब से डिपेंड करता है, फ्लावर का भी कलर एंड बटरफ्लाई का भी कलर। जो भी आप अगर ऐसा वाइट पेपर भी ले रहे हैं उसमें पेंट करके आप उस हिसाब से बटरफ्लाई का कलर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये वॉल आर्ट रेडी हो गया। आप अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।